राष्ट्र प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान के बागी कांग्रेस विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी तथा उसकी मेजबानी छोड़कर घर लौटना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व से नाराज होकर बागी हुए सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों की वापसी के संभावना के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, सबसे पहले बागी विधायक वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़ें। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़ें। हरियाणा में आए दिन बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, गुड़गांव में लोगों को सरे राह पीटा जा रहा है और इसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए 1000 के करीब पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों को भाजपा जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं? सुरजेवाला ने कहा, इसलिए बागी विधायक पहले भाजपा की आवभगत छोड़ें, पहले भाजपा से मित्रता तोड़ें, पहले भाजपा का साथ छोड़ें, उसकी मेहमान नवाजी छोड़ें, पहले भाजपा का सुरक्षा चक्र तोड़ें, अपने घर वापसी करें, तब वार्तालाप होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस व उसके समर्थक विधायक यहां जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके हुए हैं, जबकि सचिन पायलट की अगुवाई में 19 बागी विधायकों के हरियाणा के होटल में रुके होने के समाचार है। राज्य विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। सुरजेवाला ने इस अवसर पर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के बारे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान भी जारी किया। इसमें प्रियंका ने कहा है कि रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम बुधवार को है। भगवान राम की कृपा से ये कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।